अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फ़िश करी और इसे बनाना बहुत आसान होता है। मैंने मछलियों को साफ़ करके अच्छी तरह इसमें मसाले लगा लिए हैं। इसमें मिर्ची, धनिया, हल्दी पाउडर, नमक ऐड कर दिया है और नींबू, और इसे अच्छी तरह मिलाकर रख लिया। अब हम इसे फ्राई करेंगे। और हमने ग्रेवी के लिए 2 टमाटर यूज़ किए हैं, हाफ़ हैंडफुल धनिया, 4 हरी मिर्चियाँ और लहसुन के 4-5 जवे, 1 प्याज को इस तरह काट के रख लिया। इसे भी हम पीस लेंगे। और ये हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया, इसे भी मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। और ये राई, ज़ीरा और ये मंगरेल, कलौंजी भी कहते हैं इसे, ये इन सभी चीज़ों का हम अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। और अब हम चलते हैं ग्रेवी की तरफ। तो हमने 4 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने के लिए रख लिया। इसमें हम ज़ीरा, राई और कड़ी पत्ते से इसे बघारते हैं। और जब ये अच्छी तरह चटकने लगे तो अब हम इसमें हमने जो मसाले बना कर रखे थे ग्रेवी के लिए, वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। सारे मसालों को हाथ को बचाते हुए, ये मसाले बहुत उड़ते हैं, इसलिए इसे अच्छी तरह चला कर इसमें मिर्च पाउडर 1 चम्मच और हल्दी 2-3 पिंच ऐड करके, नमक भी इसी पॉइंट पर ऐड करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह और जल्दी भून जाएं। अब हम इसे ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर भूनने के लिए रख देंगे। ये जब तक मसाले हमारे तैयार होते हैं, हम अपनी फ़िश फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इसमें भी 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने के लिए रखा है पैन में। और ये चावल का आटा है, इसमें हम इसे इस तरह से डीप करेंगे और इस तरह ऊपर नीचे करके हर पीस को इसी तरह करेंगे और हम इसी तरह पैन में रखते जाएंगे। इसी तरह धीमी आंच पे इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, मछलियों के पीसेस को। ये देखिए, एक साइड से हो चुकी है। अब हम इसे टर्न कर लेते हैं। ये बहुत नरम होती है, जल्दी से टूट जाती है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से हम सारी पीस तलकर फ्राई करके रख लेते हैं। तब तक हमारा मसाला भी जो है वो भूनकर अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। ये देख लीजिए, इसका रंग कितना अच्छा आया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, मसालों की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसका क्या हाल है। ये भी अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल भी सरफेस पे आ चुका है। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए, ज़्यादा नहीं, आप चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें फ्राई पीसेस जो है मछली के, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे ढक्कन ढककर धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि मछली का जो अर्क है वो हमारी ग्रेवी में आ जाए। तो देखते हैं, अब 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, इसमें बॉईल आ चुका है, ऑयल भी आ गया सरफेस पे। अब इसमें हम कटी हुई धनिया ऐड कर देंगे और बस ये तैयार है। अब फ्लेम को हम बंद करेंगे। ये देखिए, हमारी फ़िश करी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।